नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन जिसका कोड है, स्टेशन कोड है UMB अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। आप कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे आज के इस वीडियोज में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन जिसका प्लेटफॉर्म 8 है, 8 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक बने हुए हैं, और इसे जो है इसमें बहुत सारी लाइन है जो कि मुरादाबाद अंबाला या फिर दिल्ली कालका लाइन और भी इस तरीके की लाइनें हैं जो कि इस जगह से जोड़ती है। और इसे माना जाता है जंक्शन जो है, ये स्टेशन जो है या काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है व्यस्त रहता है, काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन में एक है यह अंबाला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर जब भी आप विजिट करते हैं, रात को विजिट करते हैं या दिन में, आप देख सकते हैं अभी रात्रि का हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंबाला कैंट जंक्शन लिखा हुआ है। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे आके रुकती है। जब भी आप दिल्ली से जाते हैं या अन्य जगह से जाते हैं तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म आएगा और यहाँ पे आपको खाने पीने का सुविधा से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जस्ट इसके सामने जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिसके सहारे आप अन्य जगह पर जा सकते हैं। ये सामने देख सकते हैं कटरा वाली अभी ट्रेन लगी हुई है, तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेनें जो है वो यहाँ पे चलती हैं और जिसके सहारे आप अन्य जगह पे यहाँ से जा सकते हैं। इसके सामने जो है जैसे ही एग्जिट होंगे तो कुछ ही दूरी पे आपको बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो हरियाणा के काफ़ी बेस्ट रेलवे स्टेशन में एक माना जाता है अंबाला रेलवे स्टेशन, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन जंक्शन जिसको, और काफ़ी लाइनें जो है यहाँ से जोड़ती है अलग अलग लाइनें और बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जब कभी भी आप हरियाणा के कोई भी हिस्सों में जाते हैं और अंबाला अगर आप स्टॉपेज है आपका तो आप वहाँ पे उतर रहे हैं तो सामने आपको रिजर्वेशन का मिल जाएगा। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ये खुला प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं जहाँ पे ओवर ब्रिज भी लगा हुआ है जिसके सहारे आप अन्य स्टेशन जो कि अलग प्लेटफॉर्म है उसमें आप जा सकते हैं उसके सहारे। इसके साथ साथ यहाँ पर TT हमेशा रहते हैं और जो है साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा रखा गया है अंबाला स्टेशन में, और यहाँ का मेन जो खास है वो छोला कुलचा वगैरह आप खा सकते हैं जो कि हरियाणा का फेमस है। आपको ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और ये सामने क्या है देख सकते हैं, अंबाला छावनी अंबाला कैंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगा अन्य जगह पे, अंबाला से अन्य जगह पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इन सभी जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी आप विजिट करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे अच्छे ट्रेनें जो हैं, आप दिल्ली से अगर आप अंबाला होते हुए बहुत सारी ट्रेनें हैं जो अन्य राज्यों में जाती है तो इस स्टेशन इस जंक्शन से होते हुए जाती है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं और घूम सकते हैं अंबाला जंक्शन जिसका हम वीडियोज आपको दिखा रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप टिकट बुक करते हैं अंबाला का तो उसका कोड है UMB, IRCTC में आप UMB सर्च करेंगे तो आ जाएगा अंबाला कैंट जंक्शन, और यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं प्लस में रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। और इसका जो है 8 प्लेटफॉर्म है जिसमें से 10 ट्रैक बने हुए, 8 प्लेटफॉर्म है जिसमें से अलग अलग गाड़ियाँ आती है। ये रात का दृश्य है, देख सकते हैं रात का तकरीबन 12 बज चुका है और इस तरीके से अगल बगल मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने का सुविधा से लेकर सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है जो कि आप खा भी सकते हैं जब कभी भी यहाँ पे आप विजिट करते हैं, चाहे रात 12 बजे हो या 2 बजे हो। तो ये अंबाला जंक्शन अंबाला रेलवे स्टेशन का हम आपको बता रहे थे जिसका काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट भी है और हरियाणा का हिस्से में आप अंबाला के स्टेशन में जंक्शन में आप उतर सकते हैं और फिर अन्य जगह पे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगले वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे नए जगह पे। यहाँ पे पार्किंग स्थल भी है, सामने देख सकते हैं पार्किंग स्थल जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह, अगर आपके रिलेटिव या कोई भी आ रहे हैं तो आप उनको फिर यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, तो पार्क करने का भी सुविधा है। और थोड़ा हटके है स्टेशन मार्केट से, तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है बिल्कुल, और पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया है जंक्शन को, काफ़ी संख्या में लोग आना जाना करते हैं, काफ़ी व्यस्त स्टेशन में से एक माना जाता है जंक्शन में से। तो काफ़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो भी गुजरती हैं और जो दुकानें वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।